नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। चीन और ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद चीन ऑस्ट्रेलियाई माल नहीं उतरने दे रहा है, जिसकी वजह से 70 जहाज़ों में सवार 1400 नाविकों की जिंदगी खतरे में है। इन नाविकों में 23 भारतीय भी शामिल हैं। ये नाविक पिछले छः महीने से चीनी बंदरगाह पर जहाज के साथ फंसे हैं और इस दौरान ये नाविक जो तकलीफ झेल रहे हैं उसे बयां कर पाना मुश्किल है। बता दें कि जहाज़ों में फंसे करीब 1 करोड़ टन कोयला भरा है, जिसे चीन बंदरगाहों पर उतरने नहीं दे रहा है। भारतीय नाविक वीरेंद्र सिंह भोसले भी चीन के पूर्वी तट पर अपने जहाज जग आनंद पर 23 साथियों के साथ अघोषित कैद में हैं। वीरेंद्र के जहाज पर ऑस्ट्रेलिया से आया 1.6 लाख टन कोयला लदा है। जब तक कोयला उतारा नहीं जाता, नियमों के तहत वो जहाज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। उनके साथियों की शारीरिक और मानसिक हालत लगातार खराब हो रही है। एक नाविक के पिता का निधन भारत में हो गया है। माँ कैंसर से जूझ रही हैं। कुछ साथी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के रोगी हैं। दवाएं खत्म हो रही हैं। चीन भारतीयों को कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। नाविकों को ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं, जिससे भारतीयों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। चीन कोरोना को लेकर पर्यावरण संरक्षण के बहाने बनाकर कोयला उतरने नहीं दे रहा, तो वहीं भारत ने चीन से अनुरोध किया था कि कम से कम नाविकों को बदलने की इजाज़त दे दें, ताकि जो नाविक महीनों से जहाज पर फंसे हुए हैं उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन चीन कोविड का बहाना कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।